हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम भवन मैथ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ का दोस्तों प्रश्नावली 2E का पार्ट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पिछली वीडियो हम लोग पार्ट नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में उसका वीडियो बनाए हैं और उसको देख लें। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 के बारे में, जो प्रश्न नंबर 21 से चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला y बराबर दिया है 1 + 1/x कोष्टक में, कोष्टक पर पावर x प्लस x पर पावर 1 + 1/x यही दिया है। ठीक है, इसको दोस्तों हल करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, इसमें मान लेंगे, माना y1 अर्थात इसको y1 मानिए और इसको y2 मानिए। ठीक है, तो y1 का मान क्या, जो 1 + 1/x पर पावर x हो जाएगा। y2 का क्या हो जाएगा, y2 का मान x पर पावर 1 + 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा क्या, y1 + y2। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएगा इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब दोस्तों इसका अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाएगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे dy1/dx + dy2/dx हो जाएगा। ठीक है, इसी दोनों का मान इसमें रख देंगे, इसका मान और इसका मान निकालेंगे तो इसी में रख देंगे। ठीक है, इसी में क्या करेंगे दोस्तों, हम रखेंगे वही आप सभी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। सब अब देखिए, अब हल करने के लिए सबसे पहला दिया है यहाँ पर y1 क्या दिया था, y1 बराबर दिया था 1 + 1/x पर पावर x। ठीक है, तो इस तरह को क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताए हैं, लाग लेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो दोनों पक्षों का लाग, लाग y1 बराबर लाग 1 + 1/x पर पावर x। ठीक है, अब जब दोस्तों लाग m पर पावर n रहता है, जो पावर रहता है वो बगल में चला जाता है, तो अर्थात लाग y1 बराबर हो जाएगा x इंटू लाग 1 + 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए, वो लाग y1 का अवकलन करेंगे तो 1/y1 × dy/dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए सेकेंड पद। ठीक है, तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकेंड का अवकलन था, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 + 1/x हो जाएगा इंटू, फिर इसका अवकलन करेंगे क्योंकि सूत्र में ये क्या होता है, वो लाग x होता है, इसलिए इसको मान ली है मन में। ठीक है, अब इसका अवकलन, तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, इसका 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, तो 1/x² हो जाएगा अवकलन। ठीक है, फिर प्लस से प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड को रोकते हैं, सेकेंड को रोक दीजिए, फर्स्ट का x का अवकलन 1 होता है, 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ देखिए जो 1/y1 है इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, dy1/dx बचेगा बाहर, बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, अब इसके बाद y1 कोष्टक के अंदर इस x से इस x² में एक पद कट जाएगा, एक पद कटेगा तो क्या बचेगा वहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए कट दिए हैं तो क्या बचेगा, 1 यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, और x कहाँ से आया, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे और प्लस करेंगे, अब बटे का बटे हो जाएगा, अर्थात 1/x + 1/x हो जाएगा। जो x नीचे है या ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x + 1 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर क्या बचा हुआ दोस्तों, -1/x बचा है, क्योंकि यहाँ से एक पद कट गया तो एक ही पद बचेगा ना, तो यहाँ से एक पद बचा हुआ है। फिर प्लस यहाँ थोड़ा एडवांस कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, फिर यहाँ का करेंगे लाग, तो उसी तरह इसका गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी को हल करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x से यह x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y1 का मान क्या है दोस्तों, ऊपर निकला था 1 + 1/x था। ठीक है, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, माइनस, ये देखिए माइनस है तो माइनस बचेगा, और यहाँ से कट जाएगा तो क्या 1/x + 1 + यहाँ दिया है लाग 1 + 1/x हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसे ये हल हुआ, कैसे कटा है, कैसे नहीं कटा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बगल में देख लें। ठीक है, तो इसे देखिए इस तरह की है, इसको जब हल करेंगे इसको सिर्फ बता रहे हैं, अर्थात दिया यहाँ पर देख लीजिए 1/1 + 1/x दिया, इसी को हल करेंगे जब क्या हो जाएगा,
जब हल करेंगे बराबर यहाँ कर दें, इसका हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा। जब दोस्तों देखिए बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाता है, अर्थात यक्स बटे हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, यक्स बटे यक्स प्लस 1 कर दिए हैं। ठीक है, अब उस यक्स जो ऊपर दिया इस यक्स को इस यक्स से काटेंगे तब यही आपका मान निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए ये dy 1/dx मान है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, dy 2/dx का मान निकालेंगे। तो देखिए y2 बराबर क्या दिया था इसमें, x पर पावर 1 + 1/x दिया था। इसमें इस तरह का इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का लाग लेंगे, तो दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो क्या करेंगे, लाग y2 बराबर लाग एक्स पावर 1 + 1/x हो जाएगा। ठीक है, लाग का नियम होता है जो पावर पर जब पावर रहता तो जो पावर होता है ये बगल में आ जाता है, लाग y2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1/x इंटू लाग x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यह लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका अवकलन जब करेंगे दोस्तों 1/y2 इंटू dy 2/dx हो जाएगा बराबर, ये देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकेंड का अवकलन 1/x हो जाएगा प्लस सेकेंड को रोकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो इसका 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1/x का अवकलन -1/x² होता है, 1/x² कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं अपन, देखिए इसका गुणा इसमें कर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy 2/dx बराबर हो जाएगा y2 कोष्टक में क्या बचे 1/x 1/x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका गुणा करिए तो 1/x प्लस इसका गुणा फिर इसमें करिए तो 1/x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस दिया ना, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x² इंटू लाग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब y2 का मान यहाँ पर निकला है, y2 का मान यहाँ पर दिया है x पर पावर 1 + 1/x दिया है, यही इसी का मान हम यहाँ पर उठा के रखेंगे इसका इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 1 + 1/x हो जाएगा इंटू क्या बचेगा यहाँ पर 1/x + 1/x² माइनस लाग एक्स इंटू 1/x² बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बच गया। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, dy 2/dx बराबर हो जाएगा x पर पावर 1 + 1/x कोष्टक में 1/x + 1/ देखिए दोस्तों इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स 1/x² कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो 1/x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 - log x बचेगा, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए निकल गया दोनों मान। ठीक है, y1 का मान पहले निकला था, y2 का मान यहाँ से निकल गया तो इसमें रख देंगे y1/dx तथा dy 2/dx का मान dy/dx बराबर dy 1/dx + dy है दोस्तों। ठीक है, ये dy 2/dx में रखने पर इसी मान में रखेंगे तो रखेंगे क्या हो जाएगा, dy 1/dx बराबर हो जाएगा, ये पहला मान हो जाएगा, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा सेकेंड और दूसरा मान हो जाएगा, तो ये दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों इस तरह के वीडियो क्योंकि डेली बाई डेली डाला जाता है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।